नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में सामाजिक चिंतक प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के 116वें जन्म दिवस पर स्वर्गीय मन्नालाल अमन द्वारा रचित काव्य कृतियों व कुछ अपनी सब अपनों को का हुआ लोकार्पण। क्लाउन टाइम्स के लिए प्रतिमा पांडे की रिपोर्ट। राजाराम शास्त्री जी और मन्नालाल अमन, आप सभी से विशेष रूप से हमारे नगर के सबके और इसी के साथ आप अब मैं इस अजय राय जी हमारे प्रेम हम सब लोगों को जो बहुत ही इस उम्र में भी अपनी ऊर्जा देते हैं संरक्षण गणेश वंदना होगी। विचार है उनके शीर्षक कितने सार्थक आप सबके द्वारा श्री तालियों के साथ आप अपना अनुमोदन कीजिए। यहाँ पे आप उपस्थित हमारे बड़े वरिष्ठ जो है दीनदयाल जी। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक मतों से जीत पर रोहनिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार 3 जून को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में सम्मान व स्नेह मिलन के भव्य कार्यक्रम का किया आयोजन। क्लाउन टाइम्स के लिए निखिल की रिपोर्ट। चुनाव जीतो उसके तहत इन्होंने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और बहुत जीता है। अपने सर्वाधिक वोट में से इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, इसलिए आपका माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। हरे हरे महादेव। लेकिन देवतुल्य क्यों कहा जाता है इसका विश्लेषण थोड़ा बाकी था, लेकिन आप लोग भोजन के लिए उतावले हैं इसलिए आप लोग यहाँ पर आए। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस की हृदय स्थली गोदौलिया को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मल्टी स्टोरी G+4 पार्किंग बनाने के लिए तांगा स्टैंड सहित संजय गांधी मार्केट की लगभग 20 दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी होते ही व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके विरोध में संजय गांधी मार्केट व्यवसायिक संघ के बैनर तले व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इन व्यापारियों से क्या है पूरा मामला। क्लाउन टाइम्स के लिए चंचल दास की रिपोर्ट। मेरा नाम दिलीप श्रीवास्तव है, संजय गांधी मार्केट के हम भी एक व्यापारी हैं। अपने फर्म का नाम बताइए। हमारे फर्म का नाम है स्टडी पीसीओ था, पहले लेडीज कॉर्नर था, और ये संजय गांधी मार्केट में हम लोग 20 दुकानदार हैं। कितने वर्षों से चल रही है ये दुकान? 72 साल से दुकान है। क्या असर होगा मल्टी स्टोरी? अगर मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग बना रहे हैं तो बनाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम दुकान एक साल बाद देंगे, और हम ये चाहते हैं कि दुकान वो एक साल देंगे तब तक ये व्यापारी करेंगे क्या, कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे अपना व्यापार करेंगे, कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे। क्या असर होगा मल्टी स्टोरी पार्किंग का आपके रोजगार पर? रोजगार देखिए, जब तक हमें दुकानें नहीं मिलेंगी तब तक हम लोग क्या करेंगे ये प्रशासन। आपका नाम बताइए। मैं दुकान खाली संजय गांधी मार्केट से व्यापारी हूँ। आपके फॉर्म का नाम बताइए। मेरे फॉर्म का नाम है जय माता दी साड़ी। कितने वर्षों से चल रहा है ये? तो 70 साल से। क्या असर होगा मल्टी स्टोरी पार्किंग का आपके रोजगार? मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने से हम लोग फर्क नहीं पड़ता, पड़े तो ठीक है। यार जो है मेरे भाई ने कहा व्यापारी भाई और वहाँ पर टांगा स्टेज के बगल में जो दुकान बना दिया जाए और हमको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है इसके बारे में सोचते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं आता, दो दिन बाद आते कहते हैं दुकान में तो देंगे, हम भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे। हमारा लखानी, मैं संजय गांधी मार्केट का व्यापारी हूँ।
मेरी फर्म का नाम प्रेम वस्त्रालय है। कितने वर्षों से चल रहा है? 72 साल से। मेरे दादा बैठते थे, पापा बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ। क्या असर होगा मल्टी स्टोरी पार्किंग का? अरे हम लोग मर जाएंगे, हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। आज किसी के ऊपर बैंक का लोन है, किसी को शादी की टेंशन है, और इसके अलावा हमारा कोई और दूसरा व्यापार नहीं है, तो हम लोग। अपना नाम बताइए। अशोक राघवानी, मेरी दुकान संजय गांधी मार्केट में कुंदन नाम से, फादर के नाम से है। आज 72 साल से, फादर जब 17 साल है तब की दुकान है। मेरी उम्र 60 साल। इतनी पुरानी दुकान को हटाना ये अन्याय है। इसका पहले कुछ सदुपयोग करके दूसरी जगह स्थायी जगह देनी चाहिए, उसके बाद अब बनाने को राजी हो जाए, हम लोग भी सरबत करेंगे। अगर दुकानें टूट गई सब सड़क पे आ जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी। यहाँ 20 दुकानदारों की क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।